हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास मैथ्स का थर्टीन चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस रेशम एंड प्रोपोर्शन ये क्लास सेवन में भी एक चैप्टर था प्रोपोर्शन मैथमेटिकल कंपैरिजन है बिटवीन टू यूनिट्स या फिर टू नंबर्स लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों नंबर्स दोनों यूनिट्स आपस में रिलेटेड होनी चाहिए अभी वो रिलेशन डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनवर्स भी हो सकता है डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं बैंक में आप जितना अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं और जो आपको इंटरेस्ट मिलता है मनी डिपॉजिटेड और इंटरेस्ट रिसीव दोनों ही आपस में रिलेटेड है और इनमें रिलेशन क्या है जितनी ज्यादा मनी आप डिपॉजिट कराएंगे उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऑपोजिट अगर अमाउंट कम है तो इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा तो ये यह यहाँ पर दोनों यूनिट्स मनी डिपॉजिटेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड सेम पैटर्न को फॉलो करती है अगर ये इंक्रीज होता है तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है अगर मनी डिक्रीज होती है तो इंटरेस्ट भी डिक्रीज होता है एक और एग्जाम्पल स्पीड ऑफ अ वहीकल एंड डिस्टेंस कवर्ड अभी गिवन टाइम में जितनी ज्यादा स्पीड होगी किसी व्हीकल की उतनी ज्यादा वो डिस्टेंस कवर कर पाएगा और जितनी कम स्पीड होगी जितना वो धीरे चलेगा उतनी ही कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा तो यहां पर भी वही है स्पीड के इंक्रीज होने से डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है इसके डिक्रीज होने से डिस्टेंस भी डिक्रीज हो रही है तो ऐसे दो यूनिट्स जो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये में है। वर्कर्स वर्क। दोनों आपस में रिलेटेड है लेकिन रिलेशन क्या है अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करते हैं ज्यादा लोग आ गए हैं काम करने के लिए तो वो कम दिनों में काम अभी कंप्लीट कर देंगे और अगर कुछ वर्कर्स को आप काम से निकाल देते हैं वर्कर्स अगर डिक्रीज होते हैं तो फिर दिन आपको ज्यादा लगेंगे यहां पर दोनों में उल्टा रिलेशन है इसके इंक्रीज होने से ये डिक्रीज होता है और इसके डिक्रीज होने से ये इंक्रीज होता है सिमिलरली स्पीड और टाइम में स्पीड ऑफ व्हीकल एंड टाइम टेकन टू कवर अ स्पेसिफिक डिस्टेंस अगर स्पीड को आप इंक्रीज करते हैं तो टाइम कम होगा कम टाइम में आप वो डिस्टेंस कवर कर पाएंगे और अगर आप धीरे चलते हैं स्पीड कम होती है तो टाइम आपको अभी ज्यादा लगेगा कहने का मतलब है दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट पैटर्न को फॉलो करती है एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज होता है और एक के डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज होता है इनको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन तो एक्सरसाइज की चैप्टर की जो, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है थर्टीन वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है उसमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको सभी में डायरेक्ट रिलेशन होगा एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज होगा और एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज होगा तो इस टाइप में कैसे क्वेश्चन से उनको सॉल्व करना है पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं उसके बाद हम एक्सरसाइज पर मूव करेंगे डायरेक्ट so, प्रोपोर्शन में क्वेश्चन बनते कैसे हैं कुछ एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे जैसे मनी डिपॉजिटेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड और स्पीड और डिस्टेंस ये कुछ यूनिट्स आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि टाइम और डिस्टेंस अगर कोई वहीकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा वो डिस्टेंस कवर कर पाएगा और कम टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कोई भी वहीकल आपको दे देंगे एक ट्रेन बस कार साइकिल इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर करती है तो बताइए इतने टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी या फिर इतनी डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा मतलब एक केस आपको गिवन होगा दोनों यूनिट्स का इतना टाइम है इतना डिस्टेंस है और सेकंड केस की एक यूनिट गिवन होगी दूसरी मिसिंग होगी तो इस टाइप के इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स बनेंगे मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है एक ट्रेन मूव कर रही है वन आवर में वो डिस्टेंस कवर करती है सेवेंटी फाइव किलोमीटर और आपसे पूछा गया ट्वेंटी मिनट्स में बताइए वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी सो so, दो यूनिट्स जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है सभी केसेस में उनका रेशो इक्वल होता है कहने का मतलब है फर्स्ट केस है आपको गिवन है वन आवर में डिस्टेंस है सेवेंटी फाइव किलोमीटर्स ये सेकंड केस है ट्वेंटी मिनट्स में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी तो फर्स्ट केस का रेशो और सेकेंड केस का रेशो दोनों इक्वल होंगे तो ये जो मिसिंग यूनिट है आपकी डिस्टेंस इसको एक्स ले लेते हैं एक और इसमें चीज देखनी है ये आर्स में है टाइम और ये मिनट्स में है तो इसको भी मिनट्स में चेंज कर लेते हैं यूनिट सेम होनी चाहिए डिस्टेंस की भी कभी जो आंसर आएगा वो किलोमीटर्स में ही आएगा

मल्टीप्लाई करते हैं, की आपको फाइंड करनी है, 60 को इधर ले आएंगे, ये में है इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा टू थ्री सिक्स थ्री टू जार्स वन रिमाइंडर फिफ्टीन फाइवीन सो एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी किलोमीटर कहने का मतलब है कि वो ट्रेन 20 मिनट्स में 25 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगी ओके okay? एक और एग्जाम्पल देखते हैं उसके बाद एक्सरसाइज पर मूव करेंगे ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है सेकेंड एग्जाम्पल। मान लीजिए क्वेश्चन आपको गिवन है एक पोल है इलेक्ट्रिक पोल जिसकी हाइट गिवन है 14 मीटर उसकी हाइट 14 मीटर है तो वो शैडो कास्ट करता है परछाई उसकी बनती है कास्ट्स अ शैडो ऑफ 10 मीटर ये एक कंडीशन आपको गिवन है हाइट इतनी है तो शेडो इतनी शेडो की लेंथ इतनी है सेकेंड केस में आपको दिया जा सकता है कि एक और पोल है या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दे, दे देंगे ट्री है जिसकी हाइट इतनी है तो शेडो बताइए या फिर शेडो की लेंथ इतनी है तो ट्री की हाइट बताइए पोल की हाइट बताइए मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है फाइंड हाइट ऑफ अ ट्री जो कि शेडो कास्ट करता है विच कास्ट शेडो ऑफ फिफ्टीन मीटर फिफ्टीन मीटर उसकी शेडो है अभी आपको ट्री की हाइट बतानी है तो दोनों में रिलेशन क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी बड़ी उसकी शेडो बनेगी जितनी कम हाइट होगी उतनी छोटी शेडो बनेगी परछाई तो यानी कि हाइट बढ़ने से शेडो की लेंथ बढ़ती है हाइट कम होने से शेडो की लेंथ कम होती है दोनों ही चीजें आपस में डायरेक्टली ले रिलेटेड है तो पहले लिखते हैं इसको टेबल की फॉर्म में दो जो यूनिट्स हैं वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो पोल भी हो सकता है या फिर ट्री भी हो सकता है या फिर कोई तीसरा ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ शैडो फर्स्ट केस पोल के केस में ऑब्जेक्ट की हाइट है फोर्टीन शैडो वो कास्ट करता है टेन मीटर की फोर्टीन मीटर्स टेन मीटर्स सेकेंड केस में आपको शैडो की लेंथ गिवन है फिफ्टीन और ऑब्जेक्ट यानी कि ट्री की लेंथ मिसिंग है तो इसको हम एक्स मीटर ले लेंगे यूनिट देख लेते हैं बिल्कुल सही सेम है सभी मीटर्स में ही है अभी फॉर्मूला लगाते हैं ये फर्स्ट केस है तो इन दोनों का रेशो इक्वल होगा इन दोनों के रेशो के सो फोर्टीन अपॉन टेन इक्वल्स टू एक्स अपॉन फिफ्टीन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू टेन इक्वल्स टू फिफ्टीन इंटू फोर्टीन सो एक्स इक्वल्स टू टेन डिवीजन में जाएगा फिफ्टीन इंटू फोर्टीन बाई टेन फाइव थ्री जार फिफ्टी टू जार टेन टू सेवन जार फोर्टीन सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन मीटर यानी कि जो ट्री था उसकी लेंथ है ट्वेंटी अभी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ज़्यादा केसेस मिलेंगे तो ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ओके एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन एक रेलवे स्टेशन के पास में कार पार्किंग के क्या चार्जेस हैं वो आपको गिवन है अप टू फोर आवर्स फोर आवर्स के लिए अगर आप पार्क करते हैं कार को तो आपको पे करने होंगे सिक्सटी रुपीज एट आवर्स के लिए हंड्रेड ट्वेल्व के लिए, 140, 24 के लिए 180. अभी क्वेश्चन है चेक करिए इफ द पार्किंग चार्जेस आर दिन प्रोपोर्शन टू द पार्किंग पार्किंग टाइम कि क्या चार्जेस और पार्किंग टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं चार केसेस आपको गिवन है चारों में रेशो हम फाइंड करते हैं अगर रेशो सेम होगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है अदरवाइज नहीं आंसर नंबर वन सो रेशो ऑफ पार्किंग टाइम एंड पार्किंग चार्जेस केस वन फर्स्ट केस में टाइम था फोर आवर्स चार्जेस थे सिक्सटी सो फोर बाई सिक्सटी फोर वन इज फोर वन इज फोर ट्वेंटी फाइव आर ट्वेंटी वन बाई फिफ्टीन सेकेंड केस एट आवर्स हंड्रेड रुपीज सो एट बाय हंड्रेड फोर टू जार एट ट्वेंटी फाइव फोर जार हंड्रेड टू बाई ट्वेंटी फाइव पहले दो ही केसेस में रेशो सेम नहीं है तो so यहीं से हमें पता लग गया कि जो रेशो है सॉरी जो पार्किंग टाइम और चार्जेस हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं है स्टिल नेक्स्ट टू केसेस का भी काउंट करते हैं कैलकुलेट करते हैं केस थ्री ट्वेल्व आर्स वन फोर्टी रुपीज फोर्थ थ्री जार ट्वेल्व फोर थ्री जर ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ट्वेंटी फाइव जार ट्वेंटी थ्री बाई थर्टी फाइव एंड फोर्थ केस इज ट्वेंटी फोर बाई वन एटी फोर सिक्स ज़ार ट्वेंटी फोर 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 ज़ार सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव ज़ार ट्वेंटी सिक्स फोर्टी फाइव थ्री से कैंसिल होगा टू जार सिक्स वन सिक्स थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन टू बाई फिफ्टीन सो चारों केसेस में क्योंकि रेशो इक्वल नहीं है वन बाई फिफ्टीन टू बाई फिफ्टीन वन बाई फिफ्टीन इज़ नॉट इक्वल्स टू टू बाई फिफ्टीन इज़ नॉट इक्वल्स टू थ्री बाई थर्टी फाइव एंड टू बाई फिफ्टीन चारों क्योंकि इक्वल नहीं है सो so, पार्किंग टाइम और चार्जेस प्रोपोर्शनल नहीं है पार्किंग टाइम एंड चार्जेस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओके नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेड बाय मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद एट पार्ट ऑफ बेस एक पेंट का मिक्सचर आप बनाते हैं उसमें एक पार्ट रेड पिगमेंट का मिक्स करते हैं और एट पार्ट बेस का यह आपको टेबल नीचे गिवन है फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड अभी आपको इनमें फिल करना है एक पार्ट पिगमेंट के लिए एट पार्ट चाहिए होंगे उसके लिए ट्वेल्व के लिए और ट्वेंटी के लिए ओके okay. तो मान लीजिए ब्लैंक में एक्स वाई जेड चार ब्लैंक्स है ए बी सी डी फिल कर लेते हैं मान लीजिए ये ए है दिस इज बी सी एंड डी सेकेंड आंसर लेट द नंबर्स बी फिल्ड इन ब्लैंक्स बी ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली लिख लीजिए या फिर रेस्पेक्टिवली पहले में दूसरे में भी थर्ड में सी फोर्थ में डी ओके प्रोपोर्शन में होगा जितना ज्यादा रेड पिगमेंट होगा उतनी ही ज्यादा आपको बेस की जरूरत होगी और दो चीजें जब डायरेक्टली रिलेटेड होती है तो उनका रेशो सेम होता है सो फर्स्ट केस में वन बाई एट इक्वल होगा फोर बाई ए के दिस इज ए दिस इज इक्वल्स टू फोर बाई ए क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे वन इन टू एज ए इक्वल्स टू एट फोर जार थर्टी तो ए की वैल्यू है थर्टी टू यानी कि फर्स्ट बॉक्स में थर्टी टू फिल करेंगे सेकेंड वन बाई एट को इक्वल करेंगे सेवन बाई बी के वन बाई एट इक्वल्स टू सेवन बाई बी बी वन सेज की वैल्यू है फिफ्टी सिक्स बॉक्स में सेकेंड uh, ब्लैंक में फिफ्टी आएगा नेक्स्ट इज वन बाई दिस इज इक्वल्स टू ट्वेल्व बाई

56, uh, four, thirty-two, seven, fifty-six, twelve, ninety-six, and twenty-one sixty. Okay. The answer. Next. Next is in question two above.

तो बेस हमें चाहिए सेवेंटी फाइव एम एल अभी सेकेंड ये वन है वन यहां पर आपको गिवन है कि बेस अगर एटीन हंड्रेड एम एल है अभी कितने रेड पिगमेंट की जरूरत होगी कितने पार्ट्स की जरूरत होगी रेड पिगमेंट के तो मान लीजिए एक्स पार्ट्स जो मिसिंग है उसको एक्स लेते हैं वन पार्ट एक्स पार्ट यूनिट सेम है यहां पर भी एम एल है एम एल है अभी सॉल्व करते हैं सो so, दोनों केसेस में रेशो सेम होगा इन दोनों का रेशो इक्वल्स टू तो इन दोनों का रेशो

यानी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर 24 एटीन हंड्रेड एम बेस में आपको ट्वेंटी फोर पार्ट्स चाहिए होंगे रेड पिगमेंट के ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स एट फोर्टी बॉटल्स इन सिक्स आवर्स एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाने की फैक्ट्री में एक मशीन एट फोर्टी बॉटल्स को फिल करती है सिक्स आवर्स में उ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन आवर्स तो फाइव आवर्स में कितनी को फिल करेगी फर्स्ट केस में बॉटल्स और गिवन है, में गिवन है, है. So, जितना टाइम होगा उतनी ज्यादा बॉटल्स को वो फिल कर पाएगी दोनों चीजें डायरेक्टली रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर फोर पहले टेबल बनाते हैं सो नंबर ऑफ बॉटल्स एंड टाइम ये दो चीजें फर्स्ट केस में बॉटल्स हैं एट फोर्टी टाइम है सिक्स आर्स एट फोर्टी सिक्स आवर्स

फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज फिफ्टी थाउजेंड टाइम्स सेंटीमीटर एज शोन इन द डाय एक बैक्टीरिया की पिक्चर है जब इसको फिफ्टी थाउजेंड टाइम्स पचास हजार गुना एनलार्ज किया जाता है तब आपको वो पांच सेंटीमीटर का दिखाई देता है वॉट इज देंटीरिया बैक्टीरिया की एक्चुअल पहले इतने एक को सोल्व करते हैं इसके बाद सेकेंड केस भी होगा आंसर नंबर फाइव इसमें आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है इसमें सीधा मान लीजिए एक्चुअल X X so थाउजेंड से तब उसकी लेंथ कितनी हुई हैल्टीप्लाई करके तो एक्स की क्या वैल्यू होगी फिफ्टी थाउजेंड को आप उधर लेकर जाएंगे डिविजन में वो जाएगा वन वन टू थ्री फोर टेन थाउजेंड वन बाय टेन थाउजेंड सेंटीमीटर या फिर डेसिमल में अगर करेंगे चार नंबर के पहले जीरो होनी चाहिए वन टू थ्री फोर इतना अगर पावर में रिड्यूस करेंगे टेन की पावर माइनस फोर सेंटीमीटर चारों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं तीनों में से ये भी करेक्ट है डेसिमल में ये करेक्ट है पावर्स में ये करेक्ट है अभी आगे आते हैं क्वेश्चन पे इफ द फोटोग्राफ इज एनलॉर्ज ट्वेंटी थाउजेंड टाइम्स ओनली फिफ्टी थाउजेंड करने पे फाइव सेंटीमीटर हुआ है अगर आपसे ट्वेंटी थाउजेंड टाइम्स उसको एनलार्ज करते वॉट वुड बी दी एनलॉर्ज लेंथ तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं फिफ्टी थाउजेंड करने पे अगर फाइव हुआ है तो ट्वेंटी थाउजेंड करने पे टू होगा बट स्टिल टेबल बनाते हैं पहले स्टिल्सिटर ट्वेंटी थाउजेंड टाइम्स करेंगे so एक सेंटीमीटर करते हैं फर्स्ट केस का रेशो इक्वल सेकेंड केस का रेशो सो फिफ्टी थाउजेंड बा

नेक्स्ट इज इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज नाइन सेंटीमीटर हाई शिप में ये जो यहाँ पर आपको पोल या फ्लैग जैसा दिखाई दे रहा है इसको मास्ट बोलते हैं सो so, आपने एक शिप शिप का actual ship का एक्चुअल मॉडल बनाया आपके मॉडल में मास्ट नाइन सेंटीमीटर का था जबकि मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज ट्वेल्व मीटर हाई और एक्चुअल शिप में वो कितना है ट्वेल्व मीटर इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज ट्वेंटी एट मीटर जो शिप है उसकी एक्चुअल लेंथ मीटर है तो बताइए हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी ऑब्वियसली मास्ट और जो शिप है आपने एक रेशो के अकॉर्डिंग ही बनाया होगा आंसर नंबर सो दो चीजें हैं इसमें हाइट ऑफ मास्ट एंड लेंथ ऑफ शिप एक्चुअल शिप में मास्ट की हाइट है ट्वेल्व मीटर और शिप है ट्वेंटी एट मीटर का जब ट्वेल्व है ट्वेल्व मीटर तो शिप है ट्वेंटी एट मीटर और जो मॉडल शिप है उसमें मास्ट है 9 का. आपको बताना है कि लेंथ कितनी होगी शिप की तो एक्स सेंटीमीटर अज्यूम कर लेते हैं दोनों यूनिट सेम है पहले मीटर मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर सो ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी एट इक्वल होगा नाइन अपॉन एक्स के ट्वेल्व बाई ट्वेंटी एट इक्वल टू नाइन बाय एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं नाइन इंटू ट्वेंटी एट क्वल टू एक्स इंटू ट्वेल्व सो एक्सलू नाइन इंटू ट्वेंटी डिवीजन में जाएगा ट्वेल्व थ्री थ्री जार नाइन थ्री फोर जार ट्वेल्व फोर सेवन जर ट्वेंटी एट सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी वन सेंटीमीटर क्योंकि ये यूनिट सेंटीमीटर में थी तो इसका आंसर भी सेंटीमीटर्स में ही होगा uh, या, यानी कि जो मॉडल शिप की लेंथ है लेंथ ऑफ मॉडल शिप is uh, is okay next next is, suppose 2 kg of sugar contains 9 into दो किलो शुगर में शुगर के इतने क्रिस्टल्स हैं इतने दाने हैं हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देर इन फाइव के जी ऑफ शुगर तो फाइव के जी में कितने होंगे वन पॉइंट टू के जी में कितने होंगे दो केसेज हैं तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा शुगर होगी उतनी ज़्यादा उसमें क्रिस्टल होंगे कम होगी तो कम क्रिस्टल्स होंगे दोनों चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है आंसर नंबर सेवन दो चीज़ें हैं वो वेट ऑफ शुगर शुगर का वेट एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स ओके तो जो गिवन है फर्स्ट केस में टू के शुगर एंड क्रिस्टल्स हैं नाइन इंटू टू द पावर सिक्स अभी हम ये एक केस को सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट और मिसिंग है फाइव केजी शुगर में आपको बताने हैं कितने क्रिस्टल्स हैं सो ये फाइव है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आपको नहीं पता दोनों चीजें केजी में ही हैं इसको एक्स एज्यूम करते हैं रेशो सेम रखेंगे ये बाय ये इक्वल होगा फाइव बाय एक्स के टू बाय नाइन इंटू टू द पावर सिक्स इक्वल्स टू एक्स फाइव बाय एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू इक्वल्स टू फाइव इंटू

और स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के पहले सिर्फ एक डिजिट होती है तो इस नंबर में डेसिमल इधर शिफ्ट होगा लेफ्ट में दिस इज टू पॉइंट टू फाइव और पावर एक इंक्रीज हो जाएगी टेन टू क्रिस्टल्स हैं पार्ट वन का आंसर है क्रिस्टल्स अभी सेकेंड केस में आपको बताना है वन पॉइंट टू के जी शुगर में कितना हो, कितने क्रिस्टल्स होंगे सो वेट एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स

एक्स इक्वल होगा से कैंसिल होगा ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि डेसिमल के पहले एक ही नंबर है फाइव तो यही हमारा आंसर होगा क्रिस्टल्स नेक्स्ट

वन सेंटीमीटर के बराबर है तो सेवेंटी टू किलोमीटर कितना होगा दो यूनिट्स कौन सी है इसमें एक्चुअल डिस्टेंस आंसर नंबर एट सो डिस्टेंस ऑन मैप और एक्चुअल डिस्टेंस मैप पर वन सेंटीमीटर है तो एक्चुअली में वो एटीन किलोमीटर्स है वन सेंटीमीटर इक्वल है एटीन किलोमीटर्स के सो so, एक्चुअल डिस्टेंस अगर सेवेंटी टू है map पर डिस्टेंस कितनी है ये आपसे पूछी गई है सेवेंटी टू किलोमीटर्स और एक्चुअल डिस्टेंस को एक सेंटीमीटर ले लेते हैं यूनिट सेम होनी चाहिए यहाँ पर किलोमीटर्स में है और मैप के ऊपर सेंटीमीटर्स में है रेशो सेम करते हैं ये बाई ये इक्वल होगा एक्स बाई सेवेंटी टू के सो वन बाई एटीन इक्वल एक्स बाय सेवनटी टू क्रॉस मल्टीप्लाई वन इंटू सेवेंटी टू यानी कि सेवेंटी टू इक्वल एटीन इंटू एक्स एक्स इक्वल्स टू सेवेंटी टू by 18 18 fours are 72 so x equals to 4 centimeters so distance covered on map is 4 centimeters in the map 4 centimeters Okay, next

दूसरे उसमें आपको शेडो गिवन है कि नो फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो का अच्छा ठीक है शेडो की लेंथ आपको बतानी है कितनी है पोल की लेंथ आपको गिवन है सो so, जितनी ज्यादा पोल की हाइट होगी उतनी बड़ी उसकी शेडो बनेगी दो कौन से यूनिट्स हैं इसमें लेंथ हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शेडो शेडो ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शाडो So, जो गिवन है हमें फाइव मीटर सिक्सटी सेंटीमीटर का पोल था जो शेडो कास्ट कर रहा था थ्री मीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर की और पार्ट वन है ये आपको बताना था अगर शेडो है टेन मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर की नो no, सॉरी पोल की हाइट है टेन मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर तो शेडो कितनी होगी सो so, ये है टेन मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर एंड दिस इज एक्स तो इसमें प्रॉब्लम क्या है एक ही उसमें मीटर भी है सेंटीमीटर भी है तो इसको सेंटीमीटर्स में चेंज करिए या फिर मीटर्स में चेंज करिए सेंटीमीटर करेंगे तो फाइव सिक्सटी हो जाएगा और अगर मीटर्स में करेंगे तो फाइव पॉइंट सिक्स जीरो हो जाएगा दोनों ही केसेस करेक्ट है सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं अदरवाइज डेसिमल बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सो ये होगा दिस इज इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी सेंटीमीटर ये होगा वन ज़ीरो फाइव जीरो सेंटीमीटर्स ये होगा थ्री ट्वेंटी सेंटीमीटर्स और ये ही है यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा और अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फाइव सिक्सटी इंटू एक्स इज इक्वल टू थ्री ट्वेंटी इंटू वन जीरो

लेंथ ऑफ़ ऑफ़ द पोल इज सिक्स मीटर्स सेकेंड केस देखते हैं इसमें आपको हाइट बतानी है हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो ऑफ फाइव मीटर लॉन्ग शेडो की लेंथ गिवन है पोल की हाइट मिसिंग uh, है सो so, फिर से टेबल ड्रॉ करते हैं जो गिवन था नाइन्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शैडो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि अगर हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर जिसको हमने 560 सेंटीमीटर माना था तो शैडो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की यानी कि 320 सेंटीमीटर अभी आपको 5 सेंटीमीटर शैडो गिवन है इतनी शैडो वो कास्ट कर रहा है इसको भी में चेंज करेंगे फाइव मीटर फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर्स तो हाइट ऑफ मिसिंग है इसको एक सेंटीमीटर्स लेते हैं रेशियो सेम करेंगे इक्वल्स इक्वल्स टू टू क्रॉस मल्टीप्लाई

एट मीटर एंड सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर सो हाइट ऑफ पोल इज एट मीटर एंड सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ओके अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स फोर्टीन किलोमीटर इन ट्वेंटी फाइव मिनट्स डिस्टेंस आपको गिवन है टाइम गिवन है इफ स्पीड रिमेन्स द सेम स्पीड अगर सेम रहती है हाउ फार कैन इट ट्रावल इन फाइव आवर्स तो फाइव आवर्स में बताना है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी डिस्टेंस करेगा ट्रक डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन है जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रावल कर पाएगा सो टाइम एंड डिस्टेंस अभी फर्स्ट केस में जो गिवन है आपको ट्वेंटी फाइव मिनट्स में ट्रैवल करता है फोर्टीन किलोमीटर्स टाइम है ट्वेंटी फाइव मिनट्स एंड डिस्टेंस इज फोर्टीन किलोमीटर सेकेंड में टाइम आपको गिवन है फाइव आवर्स और डिस्टेंस है मिसिंग एक्स किलोमीटर्स तो यहाँ पर अगर हम टाइम को देखें जो केस आपको गिवन था उसमें टाइम मिनट्स में था यहाँ पर आर्ट्स में है तो या तो इसको आर्स में कन्वर्ट करिए या फिर इसको मिनट्स में आर्ट्स के लिए आपको डिवाइड करना होगा ट्वेंटी uh, से वो डेसिमल में फ्रैक्शन में जाएगा तो इसको चेंज कर लेते हैं आर्ट्स में सो फाइव आर्स इक्वल्स टू सिक्सटी थ्री हंड्रेड मिनट्स तो कहने का मतलब है ट्वेंटी फाइव मिनट्स का गिवन है थ्री हंड्रेड मिनट्स का आपसे पूछा है सेम uh, रिलेशन है डायरेक्ट रेशो में है प्रोपोर्शन में है सो रेशो इक्वल करेंगे ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टीन इज इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव इंटू एक्स इक्वल्स टू फोर्टीन इंटू थ्री हंड्रेड एक्स इक्वल टू बाई ट्वेंटी टूज आर फिफ्टी फोर्टीन टवेल्व फोर फोर्टी एट फोर वन सेलोमीटर्स यानी कि ट्रक ट्रैवल करेगा uh, ट्रक कैन ट्रैवल वन सिक्सटी एट किलोमीटर्स इन फाइव आवर्सर है इसका ओके okay? चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके ऑपोजिट इन्वर्स प्रोपोर्शन की है जहाँ पर दोनों यूनिट्स आपस में जो रिलेशन है उनमें पैटर्न है ऑपोजिट पैटर्न को फॉलो करती है अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा होपफुली ये आपको क्लियर होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग